बरसात के मौसम में सभी का दिल चाहता है कि कोई टेस्टी और आसान सी रेसिपी बनाई जाए जिसे बच्चे और बड़े सभी खुशी से खाएं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो है पोटैटो समोसा रोल्स। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप व्हीट फ्लोर। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा तो मैंने प्लेन फ्लोर लिया है। अब इसके बाद आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच ही लेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच घी और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक सख्त डो तैयार करेंगे। एक बात याद रखें कि डो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे समोसे की बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे हथेली से मसलते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी और डालकर एक बार फिर इसका डो लगाएंगे। तो इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन्हें ठंडा करके ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखी मेथी, जिसे अच्छे से हाथ से क्रश करके डालेंगे। फिर लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो इस पोटैटो पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके कटलेट्स तैयार करेंगे। हाथ पर ज़रा सा घी लगाकर इस तरह की शेप में हम इन कटलेट्स को रेडी करेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी की फिलिंग भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 बाय 1 हम इन कटलेट्स को रेडी करते जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ पर फिलिंग हमने तैयार कर ली है। तो अब इसके बाद जो डो हमने रेस्ट पे रखा था उसे एक बार फिर से हाथों से मसलकर 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। अब इसकी लोई बनाकर इसमें ज़रा सा ऑयल डालेंगे और एक रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। साइज़ हमें इसका बड़ा रखना है ताकि इसकी लेयरिंग अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बेलना है। अब स्टफिंग उठाएंगे और 1 बाय 1 इन्हें इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर साइड्स को कट कर देंगे और इस तरीके से इन्हें लंबाई में काटेंगे। तब इस रोटी को इस तरीके से फिलिंग के अराउंड रोल करेंगे और नीचे से इतना पार्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब स्लरी बनाने के लिए 1 चम्मच आटे में जरा सा पानी डालकर इस तरीके से रनी कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार करेंगे। तो अब नीचे का पार्ट जो हमने खाली छोड़ा था उससे इस पेस्ट को लगाकर अच्छे से बंद कर देंगे। ये पेस्ट हम इसमें इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये फ्राई करते समय ओपन ना हो। ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें बंद कर देंगे।
तो यहाँ पर रोल्स रेडी हैं फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पे गैस पर तेल गर्म करेंगे और वन बाय वन हम अपने पटैटो समोसा रोल्स को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।